बहुचर्चित युग अपहरण और मर्डर केस में जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने अपना फैसला आगामी 6 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में मामले पर आगामी सुनवाई 6 अगस्त को होगी। पुलिस ने कड़े सुरक्षा पहरे के बीच तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। इन आरोपियों को सेशन जज वीरेंद्र कंवर की अदालत में पेश किया गया। जिला अदालत में मामले को लेकर दोनों पक्षों ने स्पष्टीकरण दिया है और अदालत ने फैसला 6 अगस्त के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब 6 अगस्त को अदालत इस मामले में फैसला सुना सकती है। अदालत पहले ही 3 बार इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख चुकी है। युग हत्याकांड को लेकर जिला अदालत में लगभग 15 महीनों तक ट्रायल चला और इस दौरान 100 से अधिक गवाह पेश किए गए। इस हत्याकांड ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया था। संपन्न परिवारों से ताल्लुक रखने वाले 3 आरोपियों ने 4 साल के मासूम बालक युग का अपहरण किया और फिर बर्बरता से उसकी हत्या की। आरोपियों ने युग को शहर में ही एक पेजल टैंक में डाल दिया था। युग शिमला के राम बाजार के एक कारोबारी का बेटा था और तीनों आरोपी युग के परिजनों के जान पहचान वाले थे। जून 2014 को आरोपियों ने युग का अपहरण कर परिजनों से फरौती की मांग की थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने युग को मौत के घाट उतार दिया।